वाराणसी में इस समय विधानसभा चुनाव के लिहाज से कई सीटें हॉट सीट में शुमार हो गई। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र और भाजपा की मौजूदा सीट पर विजय हासिल करने व मोदी लहर से मुकाबला करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने काफी सोच विचार के बाद यह निर्णय लिया और पार्टी नेताओं को भी स्पष्ट किया है कि सभी लोग मिलकर पार्टी व गठबंधन प्रत्याशी का प्रचार कर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएं। इसी क्रम में सेवापुरी विधानसभा के प्रत्याशी व पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर भव्य शुभारंभ फीता काटकर वीरभानपुर सहित बड़ौरा बाजार बेसुरपुर ठटरा कोयली के ब्रांच चुनाव कार्यालय में मंगलवार को किया। उन्होंने उपस्थित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झूठ बोलने व जुमलेबाजी की सरकार अब नहीं बनने वाली है। जनता इस बार सपा की सरकार बनाकर करारा जवाब देने 10 मार्च को तैयार है। इस बार पूर्ण बहुमत की सपा सरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है। सर, क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? कार्यालय का उद्घाटन था, सेवापुरी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन था और आज हम इसका कार्यालय का उद्घाटन करके अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिए हैं। हर गांव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी, झूठ बोलने वालों की जमानत जब्त होगी, राजनीति में वादा करके जुमलेबाजी करार देने वालों की जमानत जब्त होगी। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए जो है कटिबद्ध हैं आप लोग? मुद्दा तो खुद ही जाना था, महंगाई के से तू परेशान है कि नहीं पहले ही बताओ। तब महंगाई मुद्दा हो, बेरोजगारी मुद्दा हो, भ्रष्टाचार मुद्दा हो, जुमलेबाजी मुद्दा हो, देश विदेश से काला धन ले आकर के सबके 15-15 लाख देव कहते नहीं मुद्दा नहीं हो, बताओ मन से कुछ मिलन बात तो की। अच्छा, सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी का कहना है कि यहाँ बंगाल में खेला होवे और यहाँ खदेड़ा होवे, इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ झूठ का खदेड़ा होगा, खदेड़ा होगा, झूठ का खदेड़ा हो जाएगी। और ये बताओ थे ना, झूठ बोले वाले यहाँ से पलायन कर हुई और कहाँ जाके रुकी है वह नहीं जाना चाहिए। झूठ बोलने वालों को इस बार जनता भगाएगी और सच के साथ पूरी देश की जनता खड़ी है। इस उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग खड़े हैं और आपको बता दें कि राजनीति में दो तरीके के लोग होते हैं, एक राजनीतिक सेवक और एक राजनीतिक व्यापारी। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति में व्यापार कर रही है, लोगों का ताकत लेकर के अपना धन दौलत बढ़ा रही है, अपना कार्यालय बना रही है और जनता को उसके बदले महंगाई दे रही है, बेरोजगारी दे रही है, भ्रष्टाचार दे रही है। इसलिए जनता सीधा जवाब दे रही है। विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में वाराणसी मतदान है, आप मतदाताओं से क्या अपील कर रहे हैं? मतदाताओं से हाथ यही अपील कर रहे हैं कि झूठ को भगाइए, सच के साथ रहिए। उम्मीद की साइकिल है समाजवादी और समाजवादी कभी झूठ नहीं बोलता है। समाज हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हर घर में समाजवादी पैदा हो। समाजवादी पैदा होगा तो हर घर के मेंबर को बराबर का हक और अधिकार देगा और उसके साथ रहेगा। वर्तमान सरकार अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की जो है वो कर रही है, इस पर क्या कहना है? अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश कर रही है वर्तमान सरकार, इस पर क्या कहना चाहिए? जनता पार्टी के कहा न कि पूर्वांचल में कितना अपराधी हैं, श्वेत पत्र जारी करें, बनारस में कितना अपराधी हैं, गाजीपुर में कितना अपराधी हैं, जौनपुर में कितना अपराधी हैं, चंदौली में कितना अपराधी हैं, जारी करवाओ लिस्ट, अपने आप में पता लग जाए। अच्छा, अभी अपराधी कितना है? 2-4 दिन पहले ही